स्वच्छता का ये जो महायज्ञ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 3 साल पहले शुरू हुआ था, आज तीसरी उसकी वर्षगांठ है और इस महाअभियान में 3 साल में हम कहां से कहां पहुंचे हैं। 3 साल के बाद बिना डगे, बिना हिचकिचाए इस काम में हम लगे रहे, और लगे इसलिए रहे कि मुझे पूरा भरोसा था कि महात्मा जी ने जो कहा है, बापू ने जो कहा है, वो रास्ता गलत हो ही नहीं सकता। आज स्वच्छता अभियान ये न पूज्य बापू का रहा है, न ये भारत सरकार का रहा है, न ही ये राज्य सरकार का रहा है, न ही ये म्युनिसिपैलिटी का रहा है। आज स्वच्छता अभियान देश के सामान्य मानवी का अपना सपना बन चुका है। हमें स्वराज्य मिला, स्वराज्य का शस्त्र था सत्याग्रह, श्रेष्ठ भारत का शस्त्र है स्वच्छता, स्वच्छाग्रही। अगर 1,000 महात्मा गांधी आ जाएं, 1,00,000 नरेंद्र मोदी आ जाएं, सभी मुख्यमंत्री मिल जाएं, सभी सरकारें मिल जाएं, तो भी स्वच्छता का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 125 करोड़ देशवासी आ जाएं, तो देखते ही देखते सपना पूरा हो गया। और मैं मानता हूं इस पूरे आंदोलन को इस देश के मीडिया ने अपने कंधों पर न उठाया होता, 3 साल हो गए, देश का प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह स्वच्छता के साथ अपने आप को जोड़ दिया है, 2 कदम कभी कभी हमसे आगे चल गए। मैंने देखा इन बच्चों के चित्रों को, बच्ची की फिल्मों को उस टीवी चैनल ने लगातार समय देकर के निश्चित समय दिया है।